അമ്മ അമ്മ ഇത് आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आ जाती। मैंने कालू को फोन किया था, वो आ गए। मैंने क्यों और औरतें भी आ गई। मेरा तो घुट रहा था वहां पे। आप चलिए, मैं बड़ों के साथ अभी आ जाऊंगी। वो आने वाले होंगे, मैं फौरन आ जाती हूँ। इमरान कहाँ हो यार? नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। आफाक भाई की मदर की डेथ हो गई है। क्या? मुझे नहीं पता, फरूक मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत परेशानी हो रही है। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पता नहीं मैं कब से इग्नोर कर रहा हूं, कहां चूक हुई है मुझसे। काशिया क्यों दूर होती जा रही है मुझसे, और अगर वो मुझसे दूर होती जा रही है तो उसकी तरजीहात क्या है? उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, तो अब क्या है? क्या मैं उसे ठीक से तवज्जा नहीं दे पा रहा हूं? क्या उसे तवज्जा कहीं और से मिल रही है? वो रात के इस वक्त कहां जा सकती है, और वो भी इमरान के साथ? फरो, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या है? I'm sorry, फरो, प्लीज आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? मैंने आपको सारी सिचुएशन तो बताई है ना। जो भी है तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। आई नो, और मैं आपको कितनी बार सॉरी कहा है कि नहीं? आई स्वेयर मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। ठीक है, it's okay, लेकिन अच्छा, लेकिन क्या बताइए? क्या लेकिन? ये कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि तुम्हें लापरवाही सूट नहीं करती। आई नो,
आई नो, आपने कह दिया ना, बस आ गई मेरी बात समझ में, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पहले कभी हुआ है ऐसे? नहीं हुआ ना? ना, मुंह ठीक कर लीजिए आप। आप मेरा एक काम करेंगे, ऑफिस जाते हुए प्लीज मुझे आप फाग भाई क्या ड्रॉप कर देंगे, और हो सके तो खड़े खड़े ताज़ियत कर लीजिए। बेचारे यू सो अपसेट, फील सो बैड। सारी जिंदगी लोगों के मसले मसाइल को अपने मसले मसाइल समझते रहे, सबको सहारा देते रहे, और आज देखिए ना, खुद बेसहारा हो गए फॉर माई सेक। कर लेता हूँ, नाश्ता कर लूँ? आप नाश्ता करिए, बिल्कुल करिए, मैं भी कर रही हूँ, उसके बाद फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। थैंक यू। अच्छा कर लेना नाश्ता, अपना मुंह ठीक करिए, स्माइल। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही तुम्हारी। हाँ, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी लाइफ की बात कर रहा हूँ। माय यूनिवर्सिटी लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं थी, सारा टाइम हमारा खेल कूद में गुजर जाता था। आई टेल यू, गुड ओल्ड टाइम्स। सो आज़ादी बहुत पसंद है तुम्हें? हाँ। कितनी आज़ादी? क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? सीधी सीधी बात करें ना। व्हाई डज एवरीथिंग हैव टू बी सो ड्रामेटिक? यही पूछ रहा था, तुम शायद खुद को अकेला महसूस कर रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें कंपनी दे दूँ। फरुख, मुझे आपकी बातों से एक अजीब सी अजनबियत क्यों महसूस हो रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की। शायद आपने नहीं की होगी, लेकिन मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। ये कब से तुम इतनी इनसेंसिटिव हो गई भाई? कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहा हूँ कि ये गालिबन आफाक का घर आ गया। आप नहीं आएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है, कुछ लोकेशंस फाइनल करनी है, कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है। हाँ मुहा के लिए प्लीज मुझे तंग करना छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं आप ही को शूट कर दूं। बाय। हाँ इमरान, कहाँ हो तुम? हाँ यार, निकल रहा हूँ बस। अच्छा सुनो, मेरा एक काम तो कर दो। हाँ बोलो। वो अम्मी अबू रात को जल्दी में घर से निकल गए थे, तो समन घर में सो रही थी, अगर हो सके तो उसको रास्ते में लेते हुए आ जाओ प्लीज। ओके, बस मैं निकलने वाला हूँ। ठीक है, वो वैसे तैयार है, मैं उसे कह देती हूँ कि तुम उसको पिक करोगे। ओके बाबा।
पता है तुम्हारी कहानियों में अजीब जादुई फिजा होती है, आखिर तक तो यही पता नहीं चलता कि कहानी क्या मोड़ ले लेगी। वो कौन सा तुम्हारा स्क्रिप्ट था? प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। क्या शानदार स्क्रिप्ट थी। और जब मैं ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो आखिर तक मैं ये सोचती रही कि फिजा कभी चल फिर नहीं पाएगी, मगर क्या ट्विस्ट था, वो सब कुछ उसकी उसकी सोच थी। तुम्हें शायद पता नहीं है मगर तुम्हारे जो ड्रामों के जुमले हैं ना, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मैं उन्हें कभी भुला नहीं पाती। जैसे वो क्या लाइन थी, तुम्हारा जिस्म मेरे लिए एक कागज की किश्ती की तरह है जो मुझे भीगने नहीं देता। वाह, क्या लाइन है फरूख। अरे बस ऐसे ही है कि छोटी मोटी लाइनें बस आ जाती हैं ज़हन में, तुमको कागज पे उतार देता। मैं तो सिर्फ लाइनें लिखता हूँ, तुम तो उनमें रूह फूंक देती हो। really, जब तुम मेरी लिखी हुई लाइनों पे परफॉर्म करती हो तो बिल्कुल गुमान नहीं होता कि तुम एक्टिंग कर रही हो। लगता है कि वाकई तुम उस कैफियत में से गुजर रही हो। ब्यूटीफुल। वैसे फारूक, कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है ना तो उसके लिखे हुए किरदार जिंदा रहते हैं। कितना फर्क है तुम्हारे ड्रामों में और तुम्हारी हकीकी जिंदगी में। तुम्हारे स्क्रिप्ट्स पढ़ के ऐसा लगता है कि तुम बहुत हसास इंसान, मगर असल में तुम एक बिल्कुल बेहिस और बेमर्वत आदमी हो। और ये सब कुछ जानते हुए मैं एक शराब के पीछे भाग रही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसी तरह हंसते हुए मुझसे कह दोगे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है और हमारी कहानी खत्म, the end। अच्छा भाई, हुकूमत, तुम तो फौरन से पहले मलका जज्बात बन जाती हो। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम उसे शादी कब करोगे। शादी? क्या मतलब कि शादी कब करोगे? तो क्या हम इसी तरह सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी से छुप छुप के मिलेंगे? और जो मैं अपने माँ बाप से दूर यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में, क्या सारी जिंदगी इंतजार करती रहूंगी? अरे यार, सारी बातें अभी फाइनल करनी, तुम इतनी बेसब्री क्यों हो गई? सबर करो बेटा, सबर करो। अल्लाह को यही मंजूर था, क्या किया जा सकता है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बेटा अब हम लोग चलते हैं। बेटा मैं और तुम्हारी माँ जा रहे हैं, समन यहीं पे है। तुम लोग जब घर वापस लौटो तो समन को घर पे ड्रॉप कर देना। चलता, ख्याल रखना अपना। बेटे सबर कर, अपना ख्याल रख। आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैठिए, वीरान जरा संभालो, तुम मेरे साथ आओ, तुम जरा देख लेना। फाग भाई तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे ना? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बेचारे अकेले इस पूरे घर में कैसे रहेंगे।
आंटी सारी उम्र कहते कहते थक गई कि शादी कर लो शादी कर लो, मगर उन्होंने एक ना सुनी। अल्लाह बेहतर करेगा। प्यालियां निकालो। अम्मा, जब ये ख्वाब पूरे ही नहीं होते तो दिखाई क्यों जाते? ये तो नहीं मैं जानती, लेकिन जो ख्वाब देख लिया जाए ना बेटा, वो पूरा जरूर होता है। वाकई ख्वाब सच्चे भी होते हैं? हाँ, अगर नीयत साफ हो तो मंजिल मिल ही जाती है। लेकिन मुझे तुमसे एक गिला है। वो क्या? यही कि तुम मेरे ख्वाब के रास्ते में दीवार बना बैठा है। क्यों, मेरा हक नहीं है अपनी बहू को अपने हाथ से ब्याहने का और उसको घर लाने का? अपने पोता पोतियों को अपनी गोद में खिलाने का हक नहीं है मुझे? है अम्मा, तू बहू भी ले आना और पोते पोतियों से भी खेल लेना, लेकिन पहले मुझे तो एक ख्वाब से बाहर आने दे। कि अचानक उसका फोन बजने लगा और उसकी बीवी की कॉल आ गई। हेलो। हाँ काफी, बोलो। बड़े अच्छे मूड में लग रहे, बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। बस एक मीटिंग में बैठा हुआ था। तुम बताओ कहाँ हो? क्या मतलब है कहाँ हूँ? घर पर हूँ। तुम घर कब आई? क्यों, आपको मेरा घर पे आना बहुत बुरा लग रहा है? नहीं, अगर आपका कोई और प्लान था तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी अम्मा क्या चली जाती हूँ। अरे प्लीज यार, तुम भी ना अचानक इतनी शक्की बीवी मत बन जाया करो। तुम तो जानती हो मुझे। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। घर जल्दी आ जाइए, मैं खाने पे आपका वेट कर रही हूँ। अरे नहीं यार, वो खाना तो मैंने खा लिया है। क्या खाना खा लिया आपने मेरे बगैर? ये मेरे बगैर कहाँ दावतें उड़ाते फिर रहे? अच्छा एक काम करते हैं, मैं जल्दी घर आने की कोशिश करता हूँ। ओके बाय। आ रहा आ रहा। अरे भाई, गुस्सा तो तुम्हारे नाक में धरा है। अरे गुस्से में उठ के जाने से पहले पूछ तो लोगे किसका फोन था? किसका फोन था? काफिया का फोन था, मेरी बीवी का फोन था। वो तुम्हारी बीवी? मैं कौन? कौन हूं मैं? तुम साई की तरह जिसके पीछे लगे हो। तुम तो मेरी मोहब्बत हो, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। बंद करो ये ड्रामा बाजी। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, चलती जाए और चलती जाए, और उसके लिए एक नहीं रहेगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर। तुम जैसे देर होशियार से बेहतर तो कोई नीम बेवकूफ होगा। कम से कम मुझे खुश तो रखेगा।
आइडिया बुरा नहीं, आइडिया बुरा नहीं, लेकिन एक बात फशोर है कि तुम्हें कोई मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। I'm sure about it. Let's have a bet. Let's. अच्छा, तो कहाँ थे हम? बीबी का फोन। हाँ, बीबी का फोन। हेलो, लो यहाँ पे भी वो बना हुआ है भाई, जाएं तो जाएं कहाँ? क्या कहा आपने? यहाँ पे भी मुंह बना हुआ है, इसका मतलब आप किसी और का भी बना हुआ मुंह देखकर आ रहे? तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। सुना है कि जब हकीम लुकमान तुम्हारे लिए नुस्खा तैयार कर रहे थे तो काफी मायूसी हुई थी। अरे भाई, स्लिप ऑफ टंग, फॉर गॉड से, मुंह से फिसल गया भी। यू नो आई हैव बीन नोटिसिंग कि आपके एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज आया है। डू वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग? आई डोंट थिंक सो, ऐसी कोई बात नहीं, गलत सोचती हो। ओके, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं आपके बगैर डिनर नहीं करती, यू नो दैट। मुझे भूख लगी, मैं खाना खा रही हूँ, दिल चाहे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते। चूहे दौड़े मेरे। Can I? Sure. खड़े क्यों हैं बैठे? जी। मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कल याद से आ जाना, तुम्हें पता है ना कल मेरी जिंदगी का अहम दिन है। पूरे शाम 6 बजे मेट्रो रेस्टोरेंट में। I'll see you there. आपसे एक बात कहूं? Why do I feel like you're not giving me enough attention? अगर मैं ये कहूं कि मुझे भी तुमसे यही शिकायत है तो फिर अब देखो ना, तुम भी तो ज्यादा वक्त अपने रिश्तेदारों में और दोस्तियां निभाने में लगा देती हो, मुझे इग्नोर करती हो और अब उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रही। फर्क मेरे रवैये में नहीं आया है, तुम्हारे एटीट्यूड में आया है। बिलीव इट, मेरी मोहब्बत तो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, पहाड़ों के दामन में बहते हुए चश्मे की तरह बिल्कुल प्योर शफाफ। मुझसे वादा करिए क्या मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे? क्या तुम अजीब पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारी मोहब्बत पहले हुई थी और शादी बाद में, ऐसे ही हुआ था। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल को एक धड़का लगा रहता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारा इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कहा था फरुख।